आप देख रहे हैं पावर ऑफ प्रैंक। बिल्कुल सेम टू सेम मैं बुध बाजार से उठा के लाई, वो भी बहुत सस्ते में। अच्छा, घर जाके ना मुझे फोटो भेजना उसकी। हाँ बिल्कुल भेज दूंगी। किसी ने सच कहा, जब दो औरतें एक साथ बैठ जाएं तो चुप नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह इस वीडियो के शुरुआत में ये दो औरतें बैठ के आपस में बातें कर रही हैं और ठीक उसी समय उनकी बेटी आ जाती है ट्यूशन जाने के लिए। मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। यार तुम्हारे हुलिया को देख के तो लगता नहीं है ट्यूशन जा रही हो, फिर भी अगर तुम ट्यूशन जा रही हो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम वीडियो बनाने के लिए अगर ट्यूशन की बात कर रही हो तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना चाहिए कि ये जो माइक है इस माइक को ज़रा लुका के वीडियो बनाओ जी। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ पे माइक लगा के खड़ी हो। दीदी आपको सच में लगता है कि ये ट्यूशन ही गई है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ट्यूशन नहीं जा रही है, भला माइक लेके कोई ट्यूशन क्यों जाएगा, आप ही बताइए। कुछ नजर ही नहीं आता, वो जो पूरी सिली हुई जीन्स होती है ना वो 1000 की आती है और ये फटी वाली 2000 की। जमाना उल्टा है भाई साहब, फटी वाली का डिमांड है। अब एक नज़र इन पे डालिए, अभी तक तो बेटी माइक लगाई थी, अब इन्होंने भी माइक लगाई। आखिर ये माइक क्यों लगा के बैठी हैं? देखिए ये देखिए माइक साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपको माइक लगाना है तो छुपा के लगाओ भाई, कितनी बार बोलूं। अब ये देखिए इनकी ट्यूशन पढ़ने गई बेटी वापस आ रही है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जाते वक्त का ड्रेस कुछ और था और आते वक्त का ड्रेस देखिए कुछ और है। यहाँ तक कि जो ड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस तो चेंज हुआ ही, साथ में इसका बैग भी चेंज हो गया। भाभी आपकी संस्कारी लड़की। भाभी आपकी संस्कारी लड़की। आप देख रहे हैं पावर ऑफ प्रैंक। देखिए ये है मेरी दूर की रिश्तेदार जिनका मुझे कोई अता पता नहीं। बहन की बुआ के चाचा के ताऊ के लड़के की शादी में आई थी तो मैंने बहन की बुआ के चाचा के ताऊ के लड़के की शादी में आई थी तो वाह क्या बात कही, मजा आ गया सुन के। ज्योति अब ये देखिए इनका भी माइक्रोफोन एकदम क्लियर दिखा रहा है। ये बुलाने पे जैसे ही ज्योति पहुंचती है उसके हाथ में मोबाइल रहता, लेकिन जब वो पैर छूने जाती है तो देखिए उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। और जैसे ही सीन चेंज होती है फिर से ज्योति के हाथ में मोबाइल आ जाता है। देखिए आखिर ये हो क्या रहा है। इस चूड़ी को जरा गौर से कीजिएगा, ये चूड़ी इन्होंने अपने नंद को गिफ्ट में दे रही है। इस वीडियो को देखिए, क्या ये वो चूड़ी नहीं है जो इन्होंने अपने नंद को गिफ्ट दिया था? अब इन्होंने चूड़ी वापस मांग ली या फिर सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने गिफ्ट में दिया था वो चूड़ी? ये क्या है? अरे भाई कितनी बार बोलूं, वीडियो बनाते वक्त आप लोग अपने माइक को जरा इस तरह से छुपाए ताकि कैमरा को नजर ना आए। आप देख रहे हैं पावर ऑफ प्रैंक। जवन मजा ससुरारी मिलत है वो मजा कहूँ दुनिया में नहीं मिलता है। पहुँचते तो गांठी से गुवर धोवा जाए, ओकरे बाद में अगर कहूँ साली सराज हंस के बात कई दिन तो करेजवा तर हो जाते। आप देख रहे हैं पावर ऑफ प्रैंक। अरे तो यो सुन, सोच के कमाई ल।